और हेडलाइंस के बाद एक नजर टॉप 10 खबरों पर। आज से डिफेंस एक्सपो की शुरुआत, दुनिया देखेगी लखनऊ से देश का दम। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में आज से 15वें ऑटो एक्सपो की शुरुआत, देश दुनिया की तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां लेंगी हिस्सा। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने की रैली, केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री, कहा दोष देने वाली नहीं दिशा देने वाली सरकार चाहिए। लखनऊ में आज यूपी कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर, सीएम योगी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आजमगढ़ में बदमाशों ने शादी करने जा रहे दूल्हे की गोली मारकर की हत्या, वारदात के बाद इलाके में सनसनी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में बिल्डर की लापरवाही से गई मासूम की जान, निर्माणधीन बिल्डिंग के टैंक में गिरने से मासूम की मौत। मेरठ में पिता ने ली बेटी की जान, नाबालिग बच्ची को जहर देकर मारने का आरोप, परिवार से खफा बताया जा रहा है आरोपी। जौनपुर में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली के पोल पर चढ़कर किया हंगामा, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है युवती। प्रयागराज में एलआईसी कर्मचारियों की हड़ताल, एलआईसी की सरकारी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव का विरोध, कामकाज ठप कर की हड़ताल। टिहरी में बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन बाधित, सड़कों पर जमी बर्फ से आवाजाही में दिक्कत, अधिकारियों ने किया सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।